The tangents are drawn at the extremities of a diameter AB of a circle with center P. ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है पी। अब ये मान लो ए और बी हो गए पॉइंट्स, डायमीटर कह रहा है, यहां पर हमने टेंजेंट बनाई, ए पर भी एक टेंजेंट बनाई और एक बी पर एक टेंजेंट बनाई। इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट द अदर टू टेंजेंट्स एट क्यू एंड आर, मान लो ये पॉइंट मेरा सी है, ठीक है, यहाँ पर भी एक टेंजेंट बना दी, ये कहाँ पर मिलते हैं एट क्यू एंड आर। हमसे पूछा क्या है, देन द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर इज, द मेजर ऑफ दिस एंगल क्यू पी आर इज, हमें इसका मेजर बताना है। रिजल्ट याद कर लो, 90 डिग्री है, प्रूव मैं करा देता हूँ। देखो 90 डिग्री कैसे है, मैं दो ट्राइंगल लूँगा, पहले कौन सा ट्राइंगल लूँगा, ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल सी पी क्यू। देखो पहले ये एंगल 90, क्यों, टेंजेंट जो है वो सर्कल रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये भी रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर, 90 90 एंगल इक्वल आ गया। ये एक बाहर वाला पॉइंट है, इस बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनाऊंगा तो ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल होंगी, तो ये दो साइडें इक्वल हो गई, फिर बीच में एक ये हाइपोटन्यूज भी इक्वल हो गई, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, ये एक राइट एंगल, ये एक हाइपोटन्यूज और ये एक साइड, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, तो ये एंगल क्या हो गया एक्स, तो ये भी एंगल क्या हो गया एक्स। फिर इसी तरीके से ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये साइड कॉमन और एक बाहर वाले टेंजेंट से ये दोनों, बाहर वाले पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल, तो ये साइड कॉमन, ये साइड कॉमन, मतलब दोनों की हाइपोटन्यूज कॉमन, दो साइडें कॉमन और राइट एंगल कॉमन, तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये भी वाई, ये भी वाई। अब क्या है, 2x प्लस 2y कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री। देयरफोर एंगल QPR इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू PQ, फिर AP इज इक्वल टू PC। आप चाहे तो ये भी कह सकते थे, क्या ये दोनों से रेडियस है तो ये दो भी इक्वल, आप कैसे भी कर सकते हो, तो SSS सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे हम, ये कॉन्ग्रुएंसी से, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफोर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली एंगल ये उल्टा लग गया, ए पी क्यू नियर दिस इज, हाँ ठीक है, ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। सिमिलरली एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एंगल सी पी आर इज इक्वल टू वाई डिग्री, पूरा डिटेल में प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है।